किचन और घर के काम को आसान करने के लिए केले का यूज करेंगे। सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है फ्रेंड, मगर केले पर कोलगेट भी लगाएंगे जिससे केला खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने केला लिया है और ये जो केला है ना, ये अच्छी तरीके से पक गया है, तो हमें ऐसे ही केला चाहिए। तो हम केले का भी यूज करेंगे और इसका जो छिलका रहता है उसे भी कई तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पर्स लिया है। पर्स का जो चेन है ना, वो थोड़ा सा अटक अटक के चलता है। जब हम काफ़ी टाइम तक यूज नहीं करते हैं किसी बैग को, तो उसका चेन इस तरीके से हैवी हो जाता है और जब इसे खोलते हैं तो जल्दी से खुलता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें कि केले का छिलका ले लें। फ्रेंड, केले का जो छिलका रहता है इसमें भी चिपचिपापन रहता है, जिससे ये चीज़ों को बहुत स्मूथ कर देता है। तो बस छिलके को चैन के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए, ऐसे दोनों साइड ऐसे लगा दें। उसके बाद हाथ से अच्छे से इसको इसमें लगा दें, ऐसे। ये देखिए, ऐसे जब हाथ से करेंगी ना तो ये बहुत अच्छे से चैन में लग जाएगा। उसके बाद चैन को बंद करें और खोलें। 2 से 3 बार इसे करेंगी ना तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, मतलब पहले से ये अच्छे से चलने लगेगा। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ताला और चाबी मैंने लिया है। कभी कभी ताला और चाबी क्या होता है कि हम ताला बंद तो करते हैं मगर चाबी घूमती ही नहीं है, अटक जाती है अंदर जाकर, या फिर कोई लॉक रहता है वो भी ऐसे ही अटक जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो उस समय आप क्या करें, अगर घर में केला पड़ा है तो केले का यूज कर लें। ताला चाबी के लिए भी केला बहुत ही यूजफुल है। तो उसके लिए हम लेंगे केला और केले के थोड़ा सा साइड को कट करके ले लेंगे, पूरा हमें नहीं चाहिए फ्रेंड। अब हमें इसे छीलना नहीं है, बस केले के सेंटर में हम चाबी को इस तरीके से डालेंगे, निकालेंगे, मतलब 5 से 6 बार आपको ये प्रोसेस करना है। जब आपको लगे कि चाबी में अच्छे से केला लग गया है, उसके बाद आप चाबी को ताले में यूज करें। तो चलिए इसे अब ट्राई करके देखते हैं। तो अब मैं ताले में इसे डाल देती हूँ और इसे बंद करती हूँ। तो ये देखिए, अभी ये बहुत अच्छे से घूम गया और बंद भी हो गया। खोलने के लिए भी मैं इसे आसानी से घुमा पा रही हूँ। तो ये ताले चाबी के लिए बहुत यूजफुल है। तो केला बस खाने के लिए नहीं फ्रेंड, और भी हमारे कामों में बहुत ही यूजफुल रहता है। यहाँ पर जो हमारा डोर रहता है, डोर में जो जॉइंट रहता है जहाँ से जुड़ा रहता है ये चौखट से, वहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब डोर को हम खोलते हैं, बंद करते हैं ना, तो इसमें से आवाज़ आती है एक, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और डोर से आवाज़ आना अच्छा भी नहीं होता है। तो इस आवाज़ को बंद करने के लिए आप केले का यूज़ कर सकती हैं। तो उसे कैसे करना है चलिए वो भी बताती हूँ। और देखिए, मेरा ये जो डोर है ना, इसमें से थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो अब हम केले का छिलका लेंगे। आप यहाँ पर केला भी ले सकती हैं, मगर छिलका से भी काम हो जाएगा फ्रेंड। तो केला बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस छिलके को इस तरीके से इसके ऊपर रब करना है। और रब करने के बाद दरवाजे को 3 से 4 बार खोलना है, बंद करना है इस तरीके से। फिर से केले के छिलके को लगाकर फिर से 3-4 बार दरवाजे को बंद करें, खोलें। ऐसा करने से इसके जॉइंट में केले का छिलका पहुंच जाएगा, जिससे ये एकदम आसानी से चलने लगेगा और आवाज़ करना बंद हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसमें लगा दिया है। अब चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगर आपके घर में हैवी टेबल है या सोफ़ा है, उसे हटाकर आप उसके नीचे क्लीनिंग करना चाहती हैं और आपके घर में कोई दूसरा मेंबर नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप टेबल या सोफ़े को आसानी से अकेले ही हटा सकती हैं इधर से उधर। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा आपको ताकत लगाना है। तो जैसा कि ये जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है, मगर मैं आपको इसके ऊपर करके दिखाती हूँ। आप हैवी से हैवी टेबल या सोफ़े के नीचे आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो आपको इस तरीके से 2 केले का छिलका लेना है और टेबल के एक साइड में आगे और पीछे दोनों पैर पर केले के छिलके को रख देना है, यानी पैर के नीचे रखना है इस तरीके से। उसके बाद एक साइड से टेबल को पकड़ कर खींच लेना है। सेम तरीके से आप सोफ़े पर भी कर सकती हैं।
ऐसा करने से जो टेबल है वो बहुत ही आसानी से आप इधर से उधर खींच सकती हैं। इसके लिए आपको कोई और नहीं चाहिए पकड़ने के लिए, आप खुद कर सकती हैं। तो फ्रेंड, इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। चलिए अब केले पर कोलगेट लगा कर देखते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा केले का टुकड़ा चाहिए और इसे छीलकर इस तरीके से कट करके एक बर्तन में ले लेंगे। उसके बाद इसे हमें अच्छे से मैश करना है, तो फॉर्क की मदद से इसे अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेंगे। जितना अच्छे से मैश करेंगी उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें डालेंगे कोलगेट। तो हमें कोलगेट लेना है और 1 चम्मच के करीब इसमें कोलगेट डाल देना है, यानी जितना आप 2 से 3 टाइम ब्रश करने के लिए यूज़ करती हैं ना, बस उतना ही कोलगेट इसके अंदर डालें और अच्छे से दोनों चीज़ों को हमें मिला लेना है। फ्रेंड, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। जब इसे अच्छे से मिलाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो हमारे हाथ के कोहनी होता है या फिर जो पैर के घुटने होते हैं, किसी किसी का वो पार्ट बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हो जाता है। कोहनी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि उसे क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसे बनाकर इस तरीके से कोहनी वाले जगह पर लगाकर ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए रब करें। यकीन मानिए, आप इसे 2 से 3 दिन लगातार करेंगी ना, तो आपको फ़र्क खुद ब खुद दिखने लगेगा। बस इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रब कर लें। उसके बाद आप इस पेस्ट को कुहनी वाले जगह पर अच्छे से लगा दें और लगा कर इसे छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि ये थोड़ा सा सूख नहीं जाता। तो देखिए, इस तरीके से लगा दें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से धो लें। ये केले का जो पेस्ट हमने बनाया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। क्लीन तो होगा ही, साथ ही साथ जो स्किन है उस पे शाइन भी आ जाएगा। मतलब ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो केले के छिलके और केले से घर और किचन के काम